इसरो अपने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसके लिए काफी कम समय बचा है। इस बीच अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि उनका देश इस मिशन की लॉन्चिंग की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुक्रवार को उड़ान भरने से पहले मिशन के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती गुरुवार को भारतीय समय अनुसार 2:35 पर शुरू हुई है। अंतरिक्ष यान को GSLV मार्क 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो का ये फॉलो अप प्रयास होगा, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन को 2019 में अपने सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पूरी प्रक्षेपण तैयारी और प्रक्रिया का पालन करते हुए इसरो का लॉन्च रिहर्सल समाप्त हो चुका है। मिशन की लॉन्चिंग से एक दिन पहले इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकट चलपति मंदिर के भी दर्शन किए और चंद्रयान 3 के लघु मॉडल के साथ पूजा अर्चन की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा, जो भारत के तकनीकी कौशल और साहसिक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करेगा। भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नबी नारायणन ने कहा कि इसके सफल लैंडिंग से भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा और इससे देश में अंतरिक्ष विज्ञान के विकास की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे भारत को वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में $600 अरब के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी महज 2% है। नारायणन ने कहा कि चूंकि भारत अब प्रौद्योगिकी विकास में निजी भागीदारी को आमंत्रित कर रहा है, इसलिए ये इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए और अधिक स्टार्टअप की गुंजाइश भी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि कई खिलाड़ियों के लिए अपना काम शुरू करना काफी मायने रखता है। उदाहरण के लिए मैं कल्पना करूंगा कि कई स्टार्टअप आएंगे और यहाँ तक कि हमारे पास जो स्टार्टअप है उनके पास बेहतर फंडिंग होगी। कई अन्य देश भी अपने स्टार्टअप के साथ यहाँ आ सकते हैं या मौजूदा स्टार्टअप में जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन का सफल होना अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर उतरने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स और यांत्रिक मुद्दों के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक ने कहा कि अब उन्होंने 4 साल तक इसके हर पहलू पर काम किया और सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं। नारायण ने कहा कि देश के जीवित रहने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसरो अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए न्यूनतम राशि का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। अन्य देशों की तुलना में इस तरह के अभियानों के लिए हमारा खर्च बहुत कम है। हमें मिशन की सफलता जानने के लिए 23 या 24 अगस्त तक इंतजार करना होगा, क्योंकि लैंडिंग उन्हीं तारीखों में संभव है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।